चलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, मैं कादंबरी ट्यूटोरियल्स आप सभी लोगों का स्वागत करता है और मैं हूं अनंत सर। आज आपके लिए लेके आया हूं स्पीड मैथ कैलकुलेशन का ये वीडियो जो कवर करेगा डिवीजन। ओके, सो यहां पे आपको थ्री लेवल्स मिलेंगे। इस थ्री लेवल्स में से फर्स्ट लेवल को हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो भी डिवीजन होता है तो हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि डिवीजन कैसा होता है, कि दिस इज डिवाइजर, कोशेंट, डिविडेंड एंड रिमाइंडर। सपोज हम लेते हैं कि डिविडेंड इज 30 और डिवाइजर इज 4, सो बट ऑब्वियस है 4 7 28, सो रिमाइंडर इज 2। तो ये हमारा एक पैटर्न होता है। बट इस ट्रिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सब कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उसमें से हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस आज करने वाले हैं और उसके कुछ रूल्स है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रूल आपको इलाबोरेट करके बताता हूं कि डिवाइजर अगर वन डिजिट है ना, तो जो भी होगा, जैसा 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, तो हम क्या करेंगे, मेक इट 10। हम इसको 10 के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। डोंट वरी, मैं सब चीजें एक्सप्लेन करके बताऊंगा। 2 डिजिट अगर है तो मेक इट 100 और 3 डिजिट है मेक इट 1000 और 4 डिजिट है तो 10,000, सो ऑन, राइट। और यहां पे हमें एक चीज याद रखनी है, जो 4 की तरफ दिया हुआ है इसको हम रिकॉल करेंगे हमेशा। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं, 62 डिवाइड बाय 9, राइट। अब डिवाइजर अगर सिंगल डिजिट है, वन डिजिट है, मेक इट 10 और ये जो 4 है वो आपको 4 इस तरह से ड्रॉ करना है, क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 62 डिवाइड बाय 9 और एक हमने यहां पे 4 जो एक हमारा पैटर्न है उसको हमने ड्रॉ कर लिया, राइट। ये 10 करने के लिए, देखिए वन डिजिट है तो मेक इट 10, 10 करने के लिए यहां पे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 1। सो सिंपली ये फर्स्ट जो हमारा डिजिट है वो एज इट इज हम यहां पर लेके आएंगे और 6 1 6, इन दोनों का एडिशन होगा, सो दिस इज 8, दिस इज योर आंसर। सो दिस इज नथिंग बट अवर क्वेश्चन एंड दिस इज रिमाइंडर। अगर आपको डाउट है तो कैलकुलेटर लीजिए और करके देखिए। सबसे बेस्ट टेक्निक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम दूसरा क्वेश्चन लेके चलेंगे इसमें और थोड़ा जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर होके चलेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा 215 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 9। तो सबसे पहले क्या करने वाले थे, हमारा 4 ड्रॉ करेंगे, 4 ड्रॉ करेंगे। अब यहां पे ये ध्यान में रखना है कि अगर ये सिंगल डिजिट है तो मेक इट 10, तो यहां पे हमने 10 बनाया, इसको 1 कर दिया, क्लियर बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं कि अगर ये सिंगल डिजिट है तो हमारा पेयर कैसा होगा, इधर साइड से एक डिजिट छोड़ के हम लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लियर है। ओके, सो फर्स्ट डिजिट एज इट इज नीचे आने वाला है, ओके, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और नंबर यहां पर लिखेंगे, 2 1 2, पक्का, तो ये हो जाएगा 3, अगेन 3 1 3, दिस इज 8। सिंपल क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो दिस इज रिमाइंडर, दिस इज क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कैलकुलेटर लेके बैठिए, यू विल गेट सेम आंसर। चलो सेम कंटिन्यू करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये बहुत आसान होने वाला है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन और बाकी कुछ भी नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। देखो हमने क्या लिखा, 72 डिवाइड बाय, यहां पे 9 ही चाहिए, राइट, 72 डिवाइड बाय 9। ओके, हमारे पास में कितने डिजिट्स है, 1, तो यहां पे मेक इट 10, तो 10 हो गया, देखिए। ओके, और एक प्लेस से हम यहां पे एक 4 वाला जो कॉन्सेप्ट है यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, पक्का। यहां पे फर्स्ट डिजिट एज इट इज 7, बताओ क्या होगा, 7 1 7, ओके, 7 प्लस 2 9,
अब रिमाइंडर हमारा 9 आया। अभी क्वेश्चन में कोई भी अगर रिमाइंडर हमारे डिवाइजर के इक्वल आता है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या होगा, हम यहाँ पे एक्सचेंज कर लेंगे, यहां में इसमें से 9 हम माइनस करेंगे सो इट विल बिकम 0, और यहां पर 1 से वो अगर 1 सिंगल 9 से वो डिवाइड होता है तो दिस इज 8। देखिए ना 8 9 72, क्लियर हो गया। इससे जबरदस्त टेक्निक डिवीजन में कोई नहीं हो सकती है, सबसे डिफिकल्ट नंबर्स हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करके ले रहे हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन हम लेंगे लास्ट वाला, ठीक है, तो ये होगा, हम क्या लिखेंगे यहां पर 354 डिवाइड बाय नाइन। ओके कितना डिजिट है, तो सबसे पहले 4 ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट के बाद में हमने लाइन ड्रॉ कर लिया और हमारा पैटर्न जो 4 है हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट है, मेक इट 10, बना लिया 10। फर्स्ट डिजिट एज इट इज, 3 1 3, सो दिस इज 8, यस और नो? ओके आगे बढ़ते हैं, 8 1 8, सो दिस इज 12। अगेन यहां पे रिमाइंडर जो है, सॉरी रिमाइंडर जो है वो हमारे डिवाइजर से बड़ा है, ऐसा होगा ही नहीं, तो यहां पे हम -9 कर लेंगे। ये -9 होने के बाद में यहां आ जाएगा 3 और यहां पे +1 कर लेंगे, सो दिस इज 39। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, दिस इज अवर रिमाइंडर, इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच। हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करते सेकंड लेवल पे जाएंगे, ठीक है, तो यहां पे हम लेके आए हैं इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए लेवल नंबर 2। ये सबसे आसान होने वाला है, सब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और बाकी कुछ नहीं। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, 2374 डिवाइड बाय 99। चलो इसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, 2374 99, राइट, इस तरह से होगा। अब ये जो 4 बना है ये हमारा पैटर्न है, 2 डिजिट होने की वजह से हमने यहां पे 2 डिजिट निकालने के बाद में एक लाइन ड्रॉ की है। अगर डिवाइजर 2 डिजिट में मेक इट 100, मुझे बताओ इसको 99 को 100 बनाने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा, तो बट हम 1 कैसे ऐड करेंगे, इस तरह से। तो फर्स्ट डिजिट एज इट इज होगा 2, 2 0 0, 2 1 2, राइट। ओके आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 3, 3 0 0, 3 1 3, हम सम करेंगे, सो दिस इज 7 9, पक्का। सो दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर रिमाइंडर, पक्का, बहुत आसान होने वाला है। और हम क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन है क्या। ये है 12022 डिवाइड बाय 97। चलो ठीक है, देखते हैं इसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा। सबसे पहले हमें 4 बनाना है, 4 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये 97 टू डिजिट नंबर होने के बाद हमने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है और ये हो जाएगा हमारा 4। ओके सो 97 हम कितने ऐड करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा, 03 not 3 03, यस। ओके सो फर्स्ट नंबर एज इट इज 1, 1 0 0, 1 3 3 3 1 3, ओके सो दिस इज 23 23 3 69, राइट। हमारे देखो 2 डिजिट में 69 जो आ रहा है वो 2 डिजिट में आ रहा है, सो दिस इज 69 सिंपली। ओके सो दिस इज 11, 1 कैरी, और दिस इज 9 सिंपली। सो दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर रिमाइंडर। ओके मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके लिए दिया हुआ है, आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हमें भी पता चले कि आप कितने एफर्ट्स ले रहे हैं आप खुद के लिए। और इसी के साथ में कंटिन्यू करेंगे लेवल नंबर 3, वो इससे भी आसान होने वाली है। चलो देखते हैं लेवल नंबर 3। तो चलो स्टूडेंट्स, हम इसी पैटर्न को हम कंटिन्यू करते हैं, लेवल 3 पे हम आ गए हैं। यहां पर
थ्री जो है डिजिट्स है डिवाइजर के तौर पे, और बहुत बड़े नंबर्स दिख रहे हैं। नंबर्स बड़े होने के बाद में भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये सबसे आसान होने वाला है। चुटकी बरते से बचते से आपका आंसर निकलने वाला है। देखिए कैसा होगा। चलो सबसे पहले हम देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। हम रिप्रेजेंटेशन का मतलब है हमें फोर के पैटर्न में इसको लिखना है। तो चलो लिखते हैं इसको 997। इसको हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना भाई, हमें इसको डिवाइड, हमें कोई नंबर को डिवाइड करना हुआ है 53,491। ये सबसे आसान होने वाला है स्टूडेंट। सिर्फ थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो थ्री डिजिट है, थ्री डिजिट के बाद में इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, इट्स विल बिकम फोर जो हमारा पैटर्न है। और 997 में कितना ऐड करो तो हमारा 1000 बन जाएगा। सो बट ऑब्वियस है हमें ऐड करना पड़ेगा 03, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 003। तो फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखिए, कितना आसान होने वाला है। तो 5 0s are 0, 5 0s are 0, 5 3s are 15, बट ऑब्वियस है हम 15 को कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम थ्री डिजिट में लिखना है। तो दिस इज 15, इज दैट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 यहाँ पर आया, 3 0s are 0, 3 0s are 0, 3 3s are 9। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते ऐड कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 10, दिस इज नथिंग बट 15, ओके 15 1, और दिस इज 6। ये आ गया हमारा, ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया रिमाइंडर, इज दैट क्लियर। चलो हम आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान होने वाला है। सिर्फ आपका थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और आपको चुटकी बजाते से आपका आंसर आने वाला है। चलो हम स्टूडेंट देखते हैं कि 992 ये नंबर्स, जो ये नंबर हमें दिया हुआ है 85,472 को डिवाइड करना है 992 से। चलो सबसे पहले हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो देखते हैं। 992 और ये एल लगा के यहाँ पे जो फोर पैटर्न है हम वो बनाएंगे। तो 85,472 थ्री डिजिट होने के बाद में हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये इसके अंदर कितना ऐड करो तो हमें क्या मिलने वाला है 10,000। सो बट ऑब्वियस हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 008। यस ओके, सो फर्स्ट नंबर एज इट इज 8, सो 8 0s are 0, 8 0s are 0, 8 8s are 64, बट ऑब्वियस यहाँ पर हम 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 64। सो यहाँ पे आ गया 5 5 0s are 0, 5 0s are 0, 5 8s are 40, बट ऑब्वियस हम क्या लिखेंगे 40। चलो हम ऐड कर लेते हैं, दिस इज 2। यस ओके, आगे बढ़ते हैं, दिस इज 2, दिस इज 15, वन कैरी, दिस इज 11। यस ओके, तो ये तो नंबर इस नंबर से आगे बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, बट ऑब्वियस है हमें करना क्या है, हमें करना है 992 इस नंबर से माइनस करना है, और यहाँ पे एक ऐड करके हमारा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा 86। बट ऑब्वियस है यहाँ पे आएगा 0, दिस इज नथिंग बट 6, और दिस इज नथिंग बट 1। सो दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, ये सबसे आसान तरीका है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो कितने आसानी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलो मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं आपके लिए करके बताओ, चुटकी बजाते से आपका आंसर आने वाला है। सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो हम कंटिन्यू करते हैं इसी क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन होगा 887 और इस तरह से एल बनाएगा और ये हो जाएगा 12,167। यस ओके, मुझे बताओ इसके अंदर कितना ऐड करूं तो ये 10,000 हो जाएगा, 113। इज दैट क्लियर। देखिए हो रहा है, देख लिए, थोड़ा सा समझ के करिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़े से एफर्ट्स आपको कहीं के कहीं पहुंचा देगा। तो ओके आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे एक लाइन आ जाएगा, फोर पैटर्न बन जाएगा, और सबसे पहला डिजिट एज इट इज 1 1s are 1, 1 1s are 1, 1 3s are 3। यस ओके, सो दिस इज नथिंग बट 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9। ओके यस ओके, आगे बढ़ते हैं, इनका सम, दिस इज 16, वन कैरी, 6 6 6 12, 13, वन कैरी, दिस इज 5 6 6
दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर रिमाइंडर। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है स्टूडेंट, ये सबसे आसान ट्रिक है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो प्लीज इसी कंटिन्यू करते हो, दिस इज थर्ड लेवल, हम फोर्थ लेवल पे चलेंगे और चुटकी बजा जैसे आपके आंसर्स आने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। सब थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग और थोड़े से एफर्ट्स। चलो कंटिन्यू करेंगे हमारे फोर्थ पार्ट के तरफ। तो चलो स्टूडेंट्स हम चलते हैं लेवल फोर पे तरफ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास में पेन पेंसिल इरेजर और शार्पनर इतनी चीज तो होगी। और एक ध्यान में रखना कि ये ट्रिक बताने के बाद में 99% लोग अपना कैलकुलेटर या अपना मोबाइल पे इस क्वेश्चन को जरूर करके देखने वाले हैं, क्योंकि इतने इजी होने वाला है कि आप यकीन नहीं करोगे कि इतने आसानी से कोई भी डिफिकल्ट नंबर को इतने आसानी से सॉल्व करके चुटकी पल एक सेकंड के अंदर हम सिर्फ इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं कि हमारा जो आंसर क्वेश्चन है वो है 64,752 डिवाइड बाय 9,899। हम ये फोर डिजिट है बट ऑब्वियस है नियर बाय करेंगे हम 10,000 के तरफ, 10,000 के ज्यादा। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। देखो सबसे पहले तो हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, तो हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करते 9,899 और हमें क्वेश्चन डिवाइड करना है 64,752। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको कहीं के कहीं पहुंचा देगा स्टूडेंट। सो प्लीज देखिए कंटिन्यू करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो फोर डिजिट होने के बाद हमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे और बट ऑब्वियसली ये बन जाएगा हमारा फोर, जो हम इस पैटर्न को लेके चलते हैं। ओके, और इसके अंदर कितना ऐड करेंगे तो हमें हमारा जो नियर बाय डिजिट्स है इसके मल्टीप्लीकेशन में आएगा, वो आएगा 1010। इज दैट क्लियर? चलो पहले सबसे पहला डिजिट एज इट इज 0, 6, 0, 0, 6, 1, 6, 6, 0, 0, 6, 1, 6। चलो ऐड करते हैं, इट विल बिकम 8, 5, दिस इज 13 एंड दिस इज 5। सो दिस इज नथिंग बट अवर क्वेश्चन एंड दिस इज द रिमाइंडर। देखो कितना आसान है। ओके चलो और कंटिन्यू करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास में पेन पेंसिल इरेजर तो होगा ही होगा, साथ में आप कैलकुलेटर करके भी देखोगे, बिकॉज ये इतना आसान तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूं कि इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। तो देखते हैं हम कंटिन्यू करेंगे 9,87,452 डिवाइड बाय 9,979 को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मेट में डालते हैं, फॉर्मेट होगा कि पैटर्न 9,9,7,9। ओके, और हमें डिवाइड करना है 9,8,7,4,5,2। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे फोर प्लेस होने के बाद में हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, मुझे बताओ इसमें कितना ऐड करूं, तो ये नियर बाय 10 के मल्टीपल में चले जाएगा। सो बट ऑब्वियस है यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड 0, 0। यस, ओके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या होता है एज इट इज। ओके तो ठीक है, देखते हैं हम 9 0 0 9 0 0 9 2 18, तो बट ऑब्वियस में आप क्या लिखेंगे 18 और 9 1 9। ओके चलो तो कंटिन्यू करते, दिस इज 8। ओके 8 0 0 8 0 0 8 2 16, बट ऑब्वियस में यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 और 8 1 8। चलो ऐड करेंगे, दिस इज 10, 1 कैरी, दिस इज 21, 2 कैरी, दिस इज 15, 1 कैरी एंड दिस इज 9। यस, सो दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर रिमाइंडर। यकीन नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, यकीन नहीं हो रहा है, बट ऑब्वियस यकीन नहीं होगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं। देखिए कैलकुलेटर, आपका मोबाइल, और रुकिए 2 मिनट और सोचिए कि ये क्वेश्चन को इतने आसान तरीके से सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर आपने सॉल्व करके बताया। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये सही में हमारा चैनल लाइक अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, आपके स्टूडेंट्स को आपके फ्रेंड्स को स्प्रेड करिए ताकि मुझे एनर्जी मिले। आपका लाइक मेरे लिए एनर्जी बनती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में स्पीड मैथ कैलकुलेशन के कुछ अच्छे और बेहतरीन वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।